शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद की मौत के बाद जिसे पुलिस लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाकर ढूंढ रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो शाइस्ता के लिए मुश्किलों भरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की। 15 अप्रैल को जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद से लगातार ही शाइस्ता को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर शाइस्ता कहां है। 50,000 की नामी शाइस्ता को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि ड्रोन से भी शाइस्ता को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो शाइस्ता के लिए मुश्किलों भरी हो सकती है। क्या है वो खबर, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा सुनने में आ रहा है कि शाइस्ता के पुराने साथियों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, उसका फोन तक उठाना उन्होंने बंद कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चले विस्तार से समझते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही 50,000 रुपए की इनामी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर यूपीएसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। यूपीएसटीएफ के अनुसार अतीक की हत्या के बाद से उसके सभी पार्टनर्स ने शाइस्ता का फोन उठाना बंद कर दिया है। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एसटीएफ की रडार पर ना आ सके। आपको बता दें कि सर्विलांस टीम की तरफ से शाइस्ता के फोन को ट्रेस करने के दौरान इन सभी से बातचीत बंद पाई गई है। हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रही शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की भी अटकलें तेज हैं। ऐसी जानकारी मिली कि शाइस्ता नए वकीलों के गुट के साथ सरेंडर कर सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के सरेंडर की कोई अर्जी फिलहाल अभी कोर्ट में नहीं डली है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। उमेश पाल शूटआउट के कई शूटर्स एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, मगर अभी भी कुछ शूटर्स के साथ में अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है। शाइस्ता को पकड़ना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो साफ है कि शाइस्ता की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूपीएसटीएफ की जानकारी के मुताबिक जब रडार में आने के डर से उसके पुराने साथियों ने उसका साथ छोड़ना अब शुरू कर दिया है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शाइस्ता अकेली पड़ गई है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से जैसे आतंक की कमर तोड़ी जा रही है अतीक अहमद के, उसके बाद में क्या शाइस्ता के पुराने साथियों का फोन ना उठाना, उसका साथ छोड़ना उसके लिए एक कह सकते हैं कि ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होगा उसके इस काले कारनामों के साम्राज्य के लिए। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसके तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।